वालेकुम फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल फ़ातमा सिद्धार्थ शुक्ला की मौत का पूरी दुनिया को बहुत ज़्यादा दुख हुआ है इतनी अचानक मौत ज़िंदगी का तो कुछ पता नहीं है अगले पल हम लोग होंगे कि नहीं होंगे लेकिन ये बहुत ही बड़े शौक की बात है बहुत ज़्यादा समय की बात है ये कि इस तरह अचानक उसकी डेथ हो जाना उन दोनों का अचानक बिछड़ जाना उसने शहनाज ने बोला है कि उसने मेरी बहू में दम तोड़ा है वो रात में उसने दवाई वग़ैरह उसे पिलाई उसे पेन हो रहा था उसने टैबलेट वगैरह उसे दी वो दवाई ले के सोया जब सुबह जॉगिंग के लिए नहीं उठा सुबह नाश्ते वगैरह के लिए वो नहीं उठा तो वो उसे उठाने के लिए गई तो वो डेथ उसकी हो चुकी थी उसे अटैक आ चुका था रात में उसे पेन था शिनाज ने ये बोला उसके लिए बहुत ही बड़े दुख की बात है वो अभी तक उस शौक से बाहर नहीं आ पाई वो जब भी डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि जब उसे होश आता है तो सिर्फ सिद्धार्थ के बाद बारे में पूछती है उसी की बात करती है वो अभी तक उस मोमेंट से निकल ही नहीं पाए और मेरा ख्याल है वो इतनी आसानी से निकल ही नहीं सकती वो उससे इतना प्यार करती थी उसके बगैर कैसे जिएगी अभी तो उसे यही नहीं समझ आ रहा होगा उसके साथ हुआ क्या है जब उसे ये रिलाइज होगा तो उस वक्त उसके साथ और ज़्यादा उसे बुरा लगेगा और ज़्यादा वो अपने जीने का मकसद उसे लगेगा कि मैं ख़त्म हो चुका है मुझे मर जाना चाहिए वो पता नहीं अब कैसे जी पाएगी कैसे उसे बुला पाएगी कैसे अपनी ज़िंदगी में आगे मूव कर सकेगी अब देखना ये है कि अब वो कैसे आगे से ज़िंदगी को आगे चलाती है कुछ किसी और के साथ करती है शादी वगैरह करती है अब नेक्स्ट ईयर में तो उनकी शादी का प्लान था अब वो सब कुछ भी ख़त्म हो गया अब इतना उससे प्यार करने के बाद क्या उसे वो भुला पाएगी क्या वो आगे बढ़ पाएगी अगर आप लोग मेरी बात साथ एग्री हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए एंड मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय